हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा। आप देख रहे हो फिजिक्स स्टडी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम सारा वीडियो आप तक पहुंचा सके। आज का एग्जाम होने वाला है, उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक एक टॉपिक हम बताए जा रहे हैं आपको। आज का टॉपिक है मास एंड वेट। ठीक है, तो मास एंड वेट से भी आपको क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट का बीच में डिफरेंस क्या है? तो मास क्या है, मास क्या है हम जानते हैं, वेट क्या है वो भी जानते हैं, तो 11-12 में पढ़ चुके हैं, तो उसका डिफरेंस क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन में है मास इज ए फोर्स एंड वेट इज ए क्वांटिटी। तो मास फोर्स है, वेट क्वांटिटी है, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है मास एंड वेट बोथ आर फोर्स, दोनों ही फोर्स है, तो ये भी गलत है। मास एंड वेट बोथ आर क्वांटिटी, ये भी गलत है। मास इज क्वांटिटी एंड वेट इज फोर्स। ठीक है, तो वेट जो है वो एक फोर्स होता है, ये हम जानते हैं, और मास क्या है, क्वांटिटी है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो मास एंड वेट मींस मास है क्वांटिटी, वेट है फोर्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब वेट 500 न्यूटन एंड इट्स मास इन ग्राम वुड बी कितना होगा? वेट अगर 500 है तो मास क्या हो जाएगा ग्राम में, 5 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज टर्म्ड एज रिलक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो अगर रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, तो इसका रिलक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करने का इस टर्म को क्या बोलते हैं, इनर्सिया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, डेंसिटी क्या है, कोई सब्सटेंस का डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, मास जो दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो डेंसिटी आप निकालेंगे कैसे, मास और मास डिवाइडेड वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी निकल जाएगा। ये कंफ्यूज मत होइएगा, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम ऊपर नहीं होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है मास मेजर करने के लिए, गलत है। टाइम गलत, वेट गलत, तो एक्सीलरेशन को मेजर करता है क्या, स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है। नेक्स्ट है न्यूटन इज यूनिट ऑफ, न्यूटन किसके यूनिट है, मास स्पीड टाइम वेट, तो न्यूटन अभी किसका बताया, वेट का। न्यूटन क्या, एसआई या सीजीएस, एसआई। नेक्स्ट है किलोग्राम इज यूनिट ऑफ, किलोग्राम केजी किसके यूनिट है, मास का, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास केजी हो जाएगा, किलोग्राम लेंगे एसआई में लेंगे। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम, मास किलोग्राम, और वॉल्यूम का एसआई क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसी को सीजीएस यूनिट फॉर डेंसिटी बोल दो तो क्या हो जाता, ग्राम पर सेमी क्यूब। ठीक है, मास का ग्राम होगा और वॉल्यूम का सेमी क्यूब होगा, तो ग्राम पर सेमी क्यूब। मास ऑफ वुड इज 2600 केजी, ठीक है, एंड वॉल्यूम 5.2 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी क्या होगा, तो नॉर्मल बताएं मास बाय वॉल्यूम, तो 2600 डिवाइड बाय 5.2, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, मतलब ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी जो फोर्स होता है, ठीक है, पुल ऑफ ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ मरकरी कितना है, 0.4 मीटर क्यूब एंड मास इज 5440 केजी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा, ये भी होगा मास बाय वॉल्यूम, तो 5440 डिवाइड बाय 0.4, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 13600 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पुल फोर्स इज नॉट डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स डोमिनेंट नहीं है ऑन किसके ऊपर, वेट। नेक्स्ट है मास इज द मेजर ऑफ हाउ मच डैश इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट में हाउ मच अमाउंट क्या रहेगा, मैटर, इसका आंसर होगा मैटर। How much matter is in an object? Mass is the measure of. Mass इसी को बोलते हैं।
step finish the formula, force equals to mass into क्या हो जाएगा, force equals to F equals to ma बोलते हैं ना, तो force equals to mass into acceleration. Next question, the law of क्या होगा, density, weight, consistency, elasticity or conservation. The law of dash of mass states, तो कंजर्वेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए क्लोज सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर. स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है मास मेजर करने के लिए, गलत है, टाइम गलत, वेट